ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द टॉपिक सिंगुलर सॉल्यूशंस. ओके सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द क्लैरेट इक्वेशन एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्लैरेट इक्वेशंस. ओके अब यहाँ पे क्लैरेट इक्वेशन को समझें. क्लैरेट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग समझेंगे आज. उसके बाद की टॉपिक जो हम लोग होगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज होगा उसको हम लोग समझेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्लैरेट इक्वेशन क्या होता है. सपोज द इक्वेशन y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ओ पी. ओके एफ ओ पी वेयर वेयर p इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज नॉन एज क्लैरेट इक्वेशन इज नॉन एज क्लैरेट इक्वेशन. आप इस फॉर्म में जो भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे क्लैरेट इक्वेशन कहेंगे. और हम इस इक्वेशन को वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी ये जो आपको याद रखना है इसको हम इक्वेशन वन ले लेते हैं. और ये इक्वेशन में आपको पी जो है डी वाई बाई डी एक्स को बताया है और एफ ऑफ पी जो होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा. यहाँ पर भी आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो क्लैरिटी इक्वेशन दिया हुआ होगा ठीक है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है तो इसको हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको पता होगा जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा इसका. अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा आप लोगों का लिख सकते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होगा. और ये क्या होगा आपका ये यू इंटू वी में टूट जाएगा. ठीक है यू इंटू वी में क्या आ जाएगा इंटू पी इंटू क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स. ठीक है ये आ जाएगा आपका. उसके बाद क्या आ जाएगा आपका इसमें अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या पी एक्स हो जाएगा प्लस क्या होगा इसको ऐसा लिखेंगे पी एक्स प्लस एक्स डी पी वाई डी एक्स ये आ जाएगा. उसके बाद प्लस क्या होगा एफ ऑफ पी ये आ जाएगा. ठीक है एफ ऑफ पी आ जाएगा इतना ये आपका डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा. अब हम लोग को निकालना है कि हम लोग को सिस्टम नंबर टू में क्या करना पड़ता है. इसको हम लोग जो है डी पी बाई डी एक्स आप देखेंगे डी पी बाई डी एक्स जो होगा आपका और आपको पता होगा ये जो है डी वाई बाई डी एक्स क्या इंडिकेट करता है आप देख लें डी वाई बाई डी एक्स क्या इंडिकेट पी करता है. तो इसको हम लोग पी लिख देंगे यहाँ पे. और ये क्या आ जाएगा आपका पी हो जाएगा ये आपका पी हो जाएगा आपका. उसके बाद जो है पी यू इंटू वी में टूटा हुआ आपका ये डी वाई बाई डी एक्स पी हो गया आपका. उसके बाद प्लस क्या होगा यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक और चीज़ हो जाएगा आपका क्योंकि इसको डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा. ठीक है तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स और ये आ जाएगा आपका डी पी बाई डी एक्स प्लस क्या होगा एफ डेस पी और ये डी पी बाई डी एक्स ये आ जाएगा. अब यहाँ पे देखेंगे ये जो पी और पी है ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ये जो पी आपका है ये पी आपका इससे कैंसिल हो जाएगा. तो आपका बताइए इसमें बने आपका क्या रिमेनिंग टर्म्स बच जाएगा आपका ये बच जाएगा. ठीक है तो इसमें दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे. जब दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं इसको देखिए आप डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स डी पी बाई डी एक्स और ये कॉमन हो गया क्या होगा एक्स और प्लस एफ ऑफ पी ये बचेगा आपका. ठीक है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो ये आपका बच गया. अब इक्वेशन हम लोग क्या कर लेंगे इसको अब हम लोग इसको आगे प्रोसेस करते हैं. इसका ये तो इतना हम लोग सॉल्यूशन कर लिए. अब हम लोग का जो है दूसरा स्टेप क्या है कि इसका डी पी बाई डी एक्स जो है हम लोग क्या करेंगे जीरो करेंगे. ठीक है इसकी इक्वेशन हम लोग टू मान लेते हैं. अब इसको हम लोग इधर कर लेते हैं तो क्या होगा डी पी इक्वल्स टू क्या होगा आपका डी एक्स इंटू जीरो जीरो होगा. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी पी और ये होगा जीरो इंटू डी एक्स होगा. तो यहाँ से आ जाएगा क्या पी और ये आपका होगा जीरो इंटू एक्स मतलब जीरो. इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या पी इक्वल टू सी मतलब यहाँ पे तो एक वन का ये आपका जीरो प्लस क्या होगा सी. सो पी का वैल्यू कितना निकल गया सी निकल गया. ठीक है अब इस पी का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में बैठाते हैं. ठीक है तो क्या आएगा देखेंगे आप. ठीक है इस इक्वेशन को जब अगर बैठाएंगे इसमें क्या आ जाएगा सी यहाँ पे आपको पता होगा सी यहाँ एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है. सी जो है आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है. ठीक है अब इस इक्वेशन में इसको पुट करते क्या होता है देखते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी पी पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पी इन इक्वेशन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं, तो पता होगा वाई इक्वल्स टू के क्या दिया हुआ पी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका पी एक्स की जगह हो जाएगा सी एक्स, और ये आपका क्या होगा एफ ऑफ क्या होगा सी। अब इसको हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग ये हम लोग को आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओके तो यहाँ पे हम लोग जो है एक इक्वेशन और ले लेते हैं, यहाँ को इक्वेशन थर्ड इसको ले लेते हैं हम लोग, इसको जीरो कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा आपका, तो एक्स प्लस एफ डेस पी इक्वल टू क्या होगा जीरो, ये इक्वेशन आप थर्ड ले लें ठीक है, इक्वेशन टू यहाँ पे आपका, तो इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे क्या, या आप जो है इस चीज़ को देखना है कि ये तो आपका बन चुका है। अब दिस सॉल्यूशन इन्वॉल्व कर ये जो सी होगा आपका, द सॉल्यूशन ये जो इंसॉल्यूशन आया आपका इन्वॉल्व इन सी इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है ठीक है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, यहाँ पे पर सी जो है जनरल है आपका क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आप यहाँ पे देखें द रिजल्ट थ्री एंड वन, रिजल्ट वन और थ्री से कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन करके लीड्स ऑन एलिमिनेशन कंबाइन लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ पी, एलिमिनेशन ऑफ पी, इक्वेशन थ्री और वन के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग पी को एलिमिनेट करेंगे ठीक है, टू ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन एलिमिनेट टू पी टू ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और उसको हम लोग एक्स वाई टर्म्स के भी लिखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे पी को एलिमिनेट करेंगे, पी को एलिमिनेट करते हैं पार्टिकुलर रिलेशन लिखेंगे, पार्टिकुलर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हम लोग एक्स और वाई का क्या लिखेंगे पार्टिकुलर रिलेशन लिखेंगे, इट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन करके। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो क्लैरिटी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस क्लैरिटी इक्वेशन को सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना, जैसे कि आप देखेंगे इस क्लैरिटी इक्वेशन ये आपका था वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी वेयर पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज नॉन एज क्लैरिटी इक्वेशन। अब इसको हम इक्वेशन वन लेंगे, डिफ्रेंशिएट किए इसको दोनों साइड, तो आपको पता होगा यहाँ पे ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये आपका पी डी एक्स, ये यू इन टू में पी टू पर इसको तोड़ेंगे तो डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, दोनों में जो था डी पी बाई डी एक्स ये तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पी था, तो पी पी कट गया आपका, यहाँ से जो है दोनों वैल्यू जो हम लोग कॉमन ले लिए ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या किए कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद डी पी बाई डी एक्स ये इसको जीरो इक्वेट कर दिए, इसको जीरो कर दिया, दोनों इक्वेशन को जीरो को इक्वेट कर दिए, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू ले लिए, यार इसको भी जीरो कर लिए हम लोग, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। इसका इंटीग्रेशन कही है हम लोग यहाँ पे पी इक्वल टू सी सी, यहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, और यहाँ से सी का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दिए, और जो इक्वेशन में वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्यों क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। और इस जनरल सॉल्यूशन के हम लोग क्या करेंगे इस सी को हम लोग क्या करेंगे इसको एलिमिनेट करेंगे, अगर ये सी को एलिमिनेट कर दिए तो जो रिलेशन आपका आएगा, जो मतलब अगर कोई फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, अगर एक्स और वाई के टर्म्स में अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको पता होगा हम बता दिए थे आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको क्या होगा वो सिर्फ क्या होता है आपका मतलब या एक्स और वाई टर्म मतलब वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व होता है, और जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट भी इन्वॉल्व होता है ठीक है।
आपको पता होगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कांस्टेंट आपका कंटेंस करता है, और आर्बिट्री कांस्टेंट अगर नहीं हो तो उसको हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्लैरिटी इक्वेशन का, उसको हम लोग सिंपल सॉल्व कर रहे हैं वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी का स्क्वायर। ये आपको क्लैरिटी इक्वेशन दिया हुआ आपका, तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप सॉल्यूशन करें आपको पता होगा, जैसे आपको प्रोसेस बताया वैसे ही वी नो दैट, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्लैरिटी इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप देखेंगे, आपको पता होगा वाई इक्वल्स टू क्या था, पी एक्स प्लस क्या था, एफ डेस एफ एफ पी था, और वी आई पी इक्वल्स टू क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ आपको याद रखेंगे आप, आपके पास की दिया हुआ है तो वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। मतलब आप देख ले कंपेयर करके, ये क्लैरिटी इक्वेशन के फॉर्म में है। आप पहला स्टेप क्या करते थे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, जिसको आप डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें, और इसके पहले आप किसको इक्वेशन बन लेते थे आप, तो आप जैसे आप जो जो बनाते थे उसी तरह का क्या बनाएंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, ये पी होगा, ये आपका डी एक्स बाई डी एक्स होगा, आप प्लस ये क्या होगा, एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स होगा, और ये आपका पी स्क्वायर का होगा, टू पी इंटू डी पी बाई डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग को याद करें कि डी वाई बाई डी एक्स के जगह पी हम लोग पुट करते थे, ये पी होता था, और डी वाई बाई डी एक्स के ये तो कट जाता था आपका, पी एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, और ये था आपका क्या, टू पी इंटू डी पी बाई डी एक्स था। याद करेंगे आप, पी और पी हम लोग यहाँ पे कटाते थे, तो यहाँ पे जो आता था वो क्या आता था, डी पी बाई डी एक्स हम लोग कॉमन लेते थे, और यहाँ पे लिखते थे एक्स प्लस क्या लिखते थे, टू पी, जो कॉमन पार्ट है, इक्वल्स टू जीरो। अब पहला पार्ट में हम लोग क्या करते थे, डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो करते थे, ये इक्वेशन नंबर हम लोग टू लेते थे, और अगला स्टेप में क्या करते थे हम लोग, एक्स प्लस टू पी इक्वल्स टू जीरो करते थे, एक्स प्लस टू पी इक्वल्स टू क्या, जीरो। सो आप यहाँ पे देखेंगे इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करते थे, थर्ड लेते थे। उसी तरह करके हम लोग सारा सॉल्व करेंगे यहाँ पे थर्ड लिख लें, ठीक है, इसी तरह करके हम लोग सारा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा देखें, सबसे पहले तो इक्वेशन टू से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है आपका, जीरो है। सो यहाँ से डी पी इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग करें इसको आप, इंटीग्रेटिंग करें आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे आप इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटू डी एक्स, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पी, और यहाँ पे आ जाएगा सी। पता होगा आपको सी जो था आपका एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट था, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट था, और इस पी का वैल्यू क्या करते थे आप, इक्वेशन वन में पुट करते थे, जो आपका जनरल सॉल्यूशन बनता था। ठीक है, पी यानी जो पी का जो वैल्यू होता था आप उसकी जगह में सी पुट करते थे, तो वो आपका आंसर आता था। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आप इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए वाई इक्वल्स टू पी एक्स, पी एक्स मीन्स होगा क्या आपका, सी एक्स प्लस क्या होगा, सी का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एक जनरल सॉल्यूशन आपका बन गया। ठीक है, ये आपका वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस सी, ये आपका जो है क्या आ गया, इसको आप लिख देंगे इसको, ये जो है आपका, ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या करते थे आपको पता होगा, हम इक्वेशन वन और थ्री का हेल्प लेते थे। ठीक है, इक्वेशन वन और थ्री का हेल्प लेंगे, और दो और आपको ये दिमाग में रखना है, इक्वेशन टू और वन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, और इक्वेशन थर्ड और वन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखें इक्वेशन थर्ड में आपका क्या है, एक्स इक्वल टू पी इक्वल टू जीरो है, सो एक्स प्लस टू पी इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो वैल्यू निकलेगा आपका, टू पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स, सो पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई टू। अब इसका वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहाँ पे जब पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, वन में, तो क्या आ जाएगा आपका, वाई इक्वल टू ये, और पी एक्स, पी एक्स का मतलब हो जाएगा माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, अब प्लस होगा एक्स स्क्वायर बाई फोर। आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लें यहाँ पे इसको, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर।
अब इसको कटा देंगे आप तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एक चीज़ और आ जाएगा आपको, यहाँ पे टू भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे फोर भी आ जाएगा, क्योंकि इसलिए फोर आ जाएगा आपका, कि ये जो है आपका जो आप एलसीएम लिए थे वो एलसीएम वाला पार्ट आपका आ जाएगा इसमें, उसको हम लिख देते हैं इस चीज़ को, एलसीएम जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे इसमें एलसीएम, एलसीएम जो होगा आपका फोर होगा, तो फोर जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का पास, हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर वाई, ठीक है, तो आपको पता होगा ये जो है किस तरह का सॉल्यूशन होगा, पता है ना आपको, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई ये आपका क्या आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, आप इसको इधर भी कर सकते हो, ये आपका एक क्या आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया, तो ये क्लैरिटी इक्वेशन का हम लोग दो सॉल्यूशन निकाल लिए, एक आपका पार्टनर जनरल सॉल्यूशन निकाले, आप इसमें देखें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y माइनस वन इंटू पी, ओके, और माइनस एक्स पी स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये दिया हुआ आपका, ठीक है, ये आपका क्लैरिटी इक्वेशन का है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म एक जो होता है आपको क्लैरिटी इक्वेशन का, तो आपको पता होगा कि बता चुके हैं आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए पी एक्स प्लस क्या होना चाहिए पी का स्क्वायर, सॉरी पी एक्स प्लस क्या होना चाहिए एफ ऑफ पी होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है आपका, ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे उस फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे देखिए, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को y चाहिए, तो y आपका यहाँ पे है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को y माइनस वन इंटू पी इक्वल्स टू क्या होगा, इसको सारे को उधर करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा टू आपका आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन कर लिया आपका, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका पी एक्स प्लस वन माइनस टू बाई पी, ये आपका क्लैरिटी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे वन ले लेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, सबसे पहले तो क्लैरिटी इक्वेशन को आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तभी आप क्लैरिटी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट करें, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स होगा यहाँ पे आपका, और ये तो आपका पी होगा इंटू डी एक्स बाई डी एक्स होगा, और नेक्स्ट स्टेप में होगा पी इंटू पी हो गया आपका एक्स होगा एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में वन का जीरो हो जाएगा आपका, और माइनस ये होगा माइनस क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, तो टू पी का स्क्वायर हो जाएगा आपका और इंटू डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप पुट करेंगे पी, और यहाँ पे आ जाएगा पी, और ये आपका होगा एक्स डी पी बाई डी एक्स माइनस वन टू बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका पी और पी क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ से आपका डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे आप, और जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्स माइनस टू बाई पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, आप सबसे पहले अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, ये जो डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू वो क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लेंगे जीरो इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन नंबर टू, और नेक्स्ट हम लोग लेंगे एक्स माइनस टू बाई पी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन वन और टू की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आप देखें क्या होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं डी पी इक्वल टू क्या होगा जीरो, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी पी इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो इंटू डी एक्स, इसका मतलब पी इक्वल टू सी, मतलब ये आपका क्या है सी इक्वल टू क्या है आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ गया आपका, और अगर ये आ गया तो आपको पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू क्या है सी इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर टू में, ठीक है सॉ इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे क्या आ जाएगा वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पी एक्स पी मतलब सी एक्स प्लस क्या होगा वन माइनस टू बाई सी, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ये चीज़ आ जाएगा आपका। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो करेंगे क्या करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन ये आपका कौन सा सॉल्यूशन आ गया आपका ये जनरल सॉल्यूशन, ये क्लैरिटी इक्वेशन का क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे डी पी बाई डी एक्स आ गया आपका, नेक्स्ट स्टेप में इसको देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स माइनस
टू बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आपका जीरो। सो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा टू बाई पी स्क्वायर। सो पी का वैल्यू हम लोग को देखेंगे इक्वल्स टू क्या होगा टू बाई एक्स। ये आपका रूट रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे पी का वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है, पी का वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर इसमें ये। तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा लिख दें यहाँ फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। आप इक्वेशन वन से क्या आ जाएगा आपका वाई पी एक्स, पी एक्स का जगह में क्या आ जाएगा आपका पी के जगह में आ जाएगा रूट अंडर टू बाई एक्स इंटू क्या होगा एक्स होगा, ठीक है, प्लस वन माइनस टू बाई पी। पी का वैल्यू कितना है आपका रूट अंडर टू और ये आपका रूट अंडर एक्स ऊपर आ जाएगा। इसको आप कटा देंगे तो ये कट के आपका आ जाएगा कितना रूट अंडर टू इंटू एक्स, रूट अंडर टू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो कट के आएगा वो क्या होगा वन माइनस, ये कट जाएगा आपका दिया जाएगा वन माइनस रूट अंडर टू इंटू एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा रूट अंडर टू इंटू एक्स आ जाएगा ये आपका कट के, यस रूट अंडर टू इंटू एक्स आ जाएगा, इसमें भी रूट अंडर टू एक्स दोनों कट जाएगा। सो वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका वन आ गया, ठीक है, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसमें वाई इक्वल्स टू आ गया आपका ये प्लस है क्या वहाँ पे उनको यहाँ पे कहाँ पे ओके। तो यहाँ पे आपको क्या होगा यहाँ पे माइनस जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे आप, ये आपका क्या हो जाएगा ये तो सही है ये प्लस में आ जाएगा आपका और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका जो होगा एक्स का जो वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ये आपका प्लस है तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग पी का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो सॉरी यहाँ पे एक वर्ड हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये एक दिया हुआ हम लोग को पी का वैल्यू को फाइंड करना है तो पी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा आप देखिए इस चीज़ को पी इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा आपका इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको अगर इक्वेशन के छः सेंस पे लिखे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स पी स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू क्या होगा जीरो होगा, ठीक है, ये आ गया। अब एक इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे अब इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, अगर पुट करेंगे इक्वेशन को में क्या कुछ आएगा इक्वेशन वन के हेल्प से हम लोग को लेना पड़ेगा आपकी। तो इक्वेशन वन जो है आपका वाई माइनस ये पी एक्स पी एक्स होगा वन माइनस टू बाई पी यानी पी का हम लोग एलिमिनेट करना है उसकी जगह या तो एक्स या तो वाई लिखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या आ जाएगा आपका पी का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखिए तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा एक्स पी स्क्वायर की जगह ये वाला वैल्यू ये जो गिवन इक्वेशन है देखिए आप ये जो एक्स पी का जो वैल्यू है क्या इसमें पुट कर देना जो गिवन इक्वेशन ये आपका देखेंगे, ठीक है, इसकी हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो गिवन इक्वेशन क्या है बताइए आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या एक्स पी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बताइए गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका देखेंगे गिवन इक्वेशन हो जाएगा आपका क्या है वाई माइनस वन इंटू पी और माइनस एक्स पी स्क्वायर तो माइनस एक्स पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं प्लस टू लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं क्योंकि उधर आपको ले जाएंगे माइनस एक्स पी होगा तो क्या होगा ये प्लस टू और ये आपका प्लस टू इक्वल्स टू क्या होगा जीरो। सो यहाँ से आपका जो वाई माइनस वन इंटू पी इक्वल टू क्या होगा टू और टू क्या हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा तो टू और टू में फोर को लिखें आप फोर प्लस टू जीरो सो पी इक्वल्स टू आपको क्या होगा माइनस फोर बाई वाई माइनस वन। अब इस देखिए यहाँ पे अब इस वैल्यू को अब इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन में क्या आ जाएगा आपका वाई इक्वल्स टू क्या है पी एक्स मतलब होगा फोर इंटू एक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका वाई माइनस वन ठीक है और प्लस वन माइनस टू बाई पी टू बाई यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका और यहाँ पे टू बाई फोर होगा फोर तो आपका नीचे है और ये आपका ऊपर चल जाएगा आपका क्या होगा फोर इंटू वाई माइनस वन। इसको आप कैलकुलेशन कर लें आप जब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका एट एक्स ये आपका लीजिए जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ गया आपका एट एक्स आ जाएगा एट एक्स और एट एक्स प्लस वन माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये इसका आंसर आ जाएगा इसका मतलब ये इसका क्या आ जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया पी एस आ जाएगा वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी का स्क्वायर ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका क्लैरिटी इक्वेशन है तो आपको देखेंगे कैसे आपका है उसको देख लेंगे हम लोग वी नो दैट
we know that Clairaut's equation, क्या जानते हैं हम लोग बताइए, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी का स्क्वायर, आप सॉरी y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ वी, आप इसी फॉर्म में है, ये देख लें आप y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्या है p माइनस पी का स्क्वायर, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये हम लोग अब आगे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, अगर डिफरेंट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है तो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पहले से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ से लिख लेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपका पी, और ये आपका क्या आ जाएगा पी होगा, और ये आपका होगा क्या, इसको यू इंटू वी में तोड़ेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स होगा, अब प्लस क्या होगा एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स होगा। अब फिर इसको आप क्या करेंगे, पी का आपका क्या होगा पी है, तो यहाँ से पी का जो हम लोग सबसे पहले डी पी बाई डी एक्स करेंगे, इसका वन हो जाएगा आपका डी पी बाई डी पी, फिर डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर का क्या होगा डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में हम लोग बढ़ेंगे, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू पी, तो यहाँ पे टू पी लिखेंगे और यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स लिखेंगे, ये आपका आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को फुट करें, आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को फुट करेंगे तो आपके यहाँ आ जाएगा पी, और ये आपका आ जाएगा ये पी, और ये आ जाएगा आपका एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू पी इंटू डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। पी और पी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग डी पी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो बताएँ सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका वन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे वन लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू पी इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे दो चीज़ हम लोग लिखते थे, पहला क्या लिखते थे आइदर टी पी आइदर ये आपको पता होगा, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होता था हम लोग को, आइदर डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होता था, इक्वेशन नंबर टू लेते थे, और क्या लिखते थे वन प्लस एक्स माइनस टू पी इक्वल टू क्या लेते थे जीरो, ये इक्वेशन नंबर थर्ड लेते थे। अब इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करेंगे और हम लोग उसको जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते थे डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो, सो डी पी इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सो डी पी इक्वल टू क्या होगा जीरो इंटू डी एक्स, सो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या पी इक्वल टू क्या आएगा सी, अब यार सी इक्वल टू क्या आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, सी जो है आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ये सी आपका है। आप यहाँ पे समझेंगे जब सी आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका, इस सी पी का वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप लिखें यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन में पुट करें आप, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पी एक्स की जगह होगा सी एक्स प्लस सी माइनस सी का स्क्वायर, ये जो आपका आ गया ये क्या आ गया आपका, ये जो आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल गया आपका डिफरेंशियल क्लैरिटी इक्वेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलने वाले ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ से हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग का, यहाँ से देखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस एक्स माइनस टू पी इक्वल्स टू क्या जीरो, सो वन प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा टू पी, सो पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस एक्स का क्या आ जाएगा टू, और जहाँ जहाँ पी है वहाँ से आप इस वैल्यू को पुट करें आप, तो क्या होगा पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन जब इक्वेशन वन में पुट करेंगे क्या आ जाएगा आपको बताइए, वाई इक्वल टू पी एक्स मीन्स क्या होगा आपका एक्स इंटू वन प्लस एक्स बाई क्या होगा टू, और ये आपका प्लस पी का मतलब हो गया आपका क्या, ये आ जाएगा आपका वन प्लस एक्स बाई क्या होगा टू, और फिर माइनस पी स्क्वायर मतलब होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर क्या होगा फोर होगा, ठीक है। ये सारे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से तो आपको क्या आ जाएगा देखिए वाई इक्वल टू एल सी एम क्या होगा आपका फोर होगा, तो यहाँ पर आपका होगा टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस क्या होगा टू एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग टू से करेंगे, यहाँ पे ये टू प्लस क्या होगा टू एक्स, और इसको हम लोग तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कटा लें इसको, जब कट जाएगा इसमें कौन कौन सा कटेगा आपका देखें,
ये तो आपका 2x कट गया आपका, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करना है यहाँ पे 2x² में 1x² को घटाएंगे तो यहाँ x² होगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4y होगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 2x² का x², और ये 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x और 2+1, ये आपका आंसर आ गया। ये जो आया आपका y=2 जो वैल्यू आया x² + 2x + 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a+b² होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। आप 3 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, आप उसी तरह करके उसको बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपका y=x - a (p - b²। ये सारा क्वेश्चन है जो इसमें सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, और जो इक्वेशन फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करके आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करके आपको dp/dx निकलेगा, उसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से आपका इक्वेशन निकलेगा, वहाँ से पी का वैल्यू निकलेगा, पी का वैल्यू इक्वेशन में फिट करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है, और उसके बाद जो है देने इनपुट करने के बाद वो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा, जो उसका दूसरा पार्ट होगा जो कॉमन पार्ट होता था उसको भी इक्वेट करेंगे, और हम लोग एक्स और वाई का रिलेशन निकाल के फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, और उसे जो है अगर पी को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे और एक्स वाई के टर्म्स में उस इक्वेशन को लिख देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ये था आपका क्लैरिट इक्वेशन का ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक से जो आपको सीखना था, आपको क्लैरिट इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है, ये सारा टॉपिक इसमें था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़।